टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन नाइन थ्री बाई एट आवर्स दो वाटर टैप्स हैं दोनों जो है एक साथ चल रहे हैं तो एक टैंक को सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई एट आवर्स में कंप्लीट फिलअप कर देते हैं द टैप ऑफ लार्जर डाया मीटर टेक्स टेन आवर लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली अब दो टैप हैं उन दोनों का डायमीटर अलग है एक का बड़ा है डाया एक का छोटा है वो कह रहे हैं कि अगर बड़ा जो डाया का जो टैप है वो छोटे के कंपैरिजन में 10 घंटे कम लेता है क्योंकि भाई बड़ा डायमीटर है तो पानी ज़्यादा आएगा तो उसको टाइम कम लगेगा टैंक को फिलअप करने में अलग अलग सेपरेटली फिलअप करने में फ़ाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक देखिए सबसे पहले तो जो उसने पूछा है उसको लेट करते हैं उसने पूछा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक हमने लेट किया लेट द टाइम टेकन बाई टैप ऑफ लार्जर डाया मीटर लार्जर डाया मीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली लार्जर डाया मीटर का जो टैप है हमने मान लिया उसको एक्स आवर्स लगे टैंक को कंप्लीटली फिल करने में therefore time taken by tap of smaller diameter to fill the tank separately is equal to देखिए जो लार्जर डायमीटर है उस वाले टैप को x hours लगी है और वो कह रहा था कि लार्जर डायमीटर का जो टैप है वो दस घंटे कम लेता है किसके कंपैरिजन में जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है उसके कंपैरिजन में इसका मतलब इसका जितना टाइम था उससे टेन आवर्स ज़्यादा ले रहा है दैट इज़ एक्स प्लस टेन आवर्स भाई स्मॉलर डायमीटर का जो टैप रहेगा वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेगा और कितना ज़्यादा टाइम लेगा उसने टेन आवर्स के बारे में बताया था अगर इसका टाइम एक्स आवर है तो इसका जो टाइम रहेगा दैट विल बी एक्स प्लस टेन आवर्स क्लियर है चीज अब यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है इसके कोरिस्पॉन्डिंग पूरा जो टैंक भरने में उसको एक्स आवर्स लगे हैं तो हम ये निकाल लेते हैं कि एक घंटे में वो टैंक का कितना पोर्शन फिलअप करेगा पोर्शन ऑफ टैंक पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इन वन आर एक घंटे में ठीक है कितना टैंक कितना पोर्शन जो है टैंक का वो फिलअप किया है लार्जर डायमीटर वाले टैप ने दैट विल बी वन अपॉन एक्स एक्स पार्ट ठीक है बिल्कुल सेम पैटर्न पे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाई द टैप ऑफ स्मोलर डाया मीटर इन वन आवर दैट विल बी वन अपॉन एक्स प्लस टेंथ पार्ट ये चीज क्लियर है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक टैंक है जिसकी जो कैपेसिटी है वो वन हंड्रेड लीटर्स की है ठीक है हमने कह दिया ये टेन जो आवर्स में जो है कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो एक घंटे का कैसे निकालते हैं इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन सो टेन लीटर्स जो है वो एक घंटे में जो है पानी उसके अंदर जाएगा क्लियर है अगर पोर्शन निकालना हो तो वही है वन बाई टेंथ पोर्शन ऑफ दिस यही तो हमने कहा कि हंड्रेड का वन बाई टेंथ पोर्शन तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि भाई एक्स आवर्स में जो है उसने कंप्लीटली फिलअप किया था वन बाय एक्स पार्ट हो गया इसके कोरस्पॉन्डिंग और जो स्मॉलर डायमीटर का टैप था उसने इतना टाइम लिया था उसके कोरस्पॉन्डिंग वन अपॉन में एक्स प्लस टेनथ पार्ट हो गया क्लियर है नाउ टाइम टेकन बाई बोथ टैंक्स टू फिल द बोथ टैप्स टू फिल द टैंक इज इक्वल टू कितना टाइम है सेवेंटी फाइव एट आवर्स इसका भी वन आवर का निकाल लेते हैं पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन वन आवर दैट विल बी वन अपॉन सेवेंटी फाइव अपॉन एट दैट विल बी एट अपॉन सेवेंटी फिफ्थ पार्ट अगर दोनों सेपरेटली चलते हैं तो एक घंटे में लार्जर डायमीटर का टैप इतना पार्ट फिलअप करता है स्मॉलर डायमीटर का टैप इतना फिलअप करता है और दोनों को साथ चला दें तो इतना हो जाता है इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड करें तो इसके इक्वल होना चाहिए ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन दैट शुड बी इक्वल्स टू एट अपॉन सेवेंटी फाइव अब इसको सोल्व करते हैं इनका एल्शियम लें तो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस टेन ये ऊपर आएगा x प्लस टेन प्लस एक्स विच इज इक्वल टू एट अपॉन 75 फाइव विच एम्प्लाईज सेवनटी फाइव ऊपर मल्टीप्लाई होगा आके यहाँ पर x प्लस एक्स दैट इज टू एक्स प्लस टेन विच इज इक्वल टू एट इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस टेन विच एम्प्लाइज सेवनटी फाइव की मल्टीप्लाई करें टू के साथ ये हो गया वन फिफ्टी एक्स प्लस सेवन फाइव जीरो विच इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वेयर प्लस एट्टी एक्स ठीक है विच implies इन uh, ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं इनको राइट right साइड में लेके जाएंगे यहाँ तो रह जाएगा जीरो विच इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वेयर प्लस एट्टी एक्स यहाँ से माइनस वन फिफ्टी एक्स माइनस सेवन फिफ्टी विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वेयर एट्टी एक्स माइनस सेवेंटी माइनस वन फिफ्टी ये बनेगा माइनस सेवनटी एक्स माइनस सेवन फाइव जीरो ठीक है ये वैसे तो देखेंगे तो टू uh, से डिवाइड हो रहा है टू से डिवाइड करें दोनों साइड्स को यहाँ पर मिलेगा फोर एक्स स्क्वेयर माइनस थर्टी फाइव एक्स माइनस ये बनेगा आपका थ्री सेवन और फाइव अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्यर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस बी की वैल्यू है माइनस थर्टी फाइव प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर दैट इज थर्टी फाइव